सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टूडेंट मौजूद है, शुभदीप है, ठीक है। इनका डिपार्टमेंट सीएसई है एंड राइट नाउ ये सेकेंड सेमेस्टर में है। तो अभी तक का इनका जो जर्नी रहा कैसा रहा, सब कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे। सो डैट जो बच्चे इस साल एडमिशन लेने का सोच रहे हो, आप लोग सही तरह से समझ सको कि कैसा क्या चीज़ें चल रही है। तो शुभोदय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो आप जरा अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करें बच्चों को, लाइक एकेडमिक प्रेशर कैसा है, जो अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड होता है वो कैसा है, एंड आप अपने आप को कितना खुलकर उभार पा रहे हो, लाइक जो होता है ना कॉलेज एक्सपोजियर जो लोग बोलते हैं, वो कैसा रहा अभी तक का सफर। थैंक यू भैया। माय सेल्फ सुभोदीप सिंह आई एम फ्रॉम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीसी फर्स्ट ईयर। तो एकेडमिक प्रेशर कॉलेज का तो हाँ थोड़ा बहुत है ही, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है। कुछ बहुत सारा असाइनमेंट वसाइनमेंट देता है, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा ही है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहाँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज मतलब आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करके हर एक क्लब मौजूद है यहाँ पर। अगर आप कुछ भी चाहो उसके रिगार्डिंग क्लब मौजूद है। कोडिंग पे इंटरेस्ट है, कोडिंग के रिगार्डिंग दो क्लास ऑलरेडी है, जो मतलब एक्टिव भी है। जो मेन बात है वो सब क्लब एक्टिव भी है। और अपॉर्चुनिटीज इसको छोड़कर आपको तो मतलब हर क्लब का जो पार्टिसिपेशन है तो वो होता रहता है हमेशा। और एक्सपोजर एक्सपोजर तो हाँ मिली है, बहुत नया नया चीज देखने का, जैसे कि लाइब्रेरी। यहाँ का लाइब्रेरी मुझे सबसे मतलब ज्यादा बेस्ट लगा। लाइब्रेरी पूरा एयर कंडीशनर है और लैब्स, हर एक लैब्स एकदम एयर कंडीशनर है। ये सब चीज बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल में हेरिटेज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है, जो काफ़ी अच्छा जगह कवर करता है एंड काफ़ी सुंदर सा कैंपस है। हल्दिया भी बहुत बड़ा कैंपस है, लेकिन हेरिटेज का देखो तो वेल स्ट्रक्चर्ड एंड काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और अगर हम लोग पूछे कि लाइक प्ले ग्राउंड कैसे है, हॉस्टल के फैसिलिटीज कैसे है, एंड सपोज आसपास का आप अगर डिस्क्राइब करना चाहो कि सपोज बच्चा अगर पढ़ाई कंप्लीट करा है तो बेसिकली कहाँ बाहर मतलब घूम सकता है, ऐसा कुछ विजिटिंग प्लेसेस। कॉलेज का प्लेग्राउंड सीन है, बहुत बड़ा बड़ा प्लेग्राउंड सीन है। सब कुछ एकदम मतलब सुंदर सुंदर है। और आपका नियर बाई प्लेस ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि हेरिटेज एक मतलब बोले तो रियलिटी है कि सिटी से थोड़ा दूर है, रिमोट इलाका में है, ठीक है। तो नियर बाई प्लेस घूमने का उतना कुछ है नहीं। वैसे नियर बाय और प्लेसेस तो आपका मतलब एकदम से सेकेंड पास पॉइंट नहीं क्या मिलेगा, बोला? मतलब हेरिटेज जो कॉलेज हो तो रूबी हॉस्पिटल के बगल में, तो वहाँ पर एक एक्रोपोलिस मॉल तो है ही, मतलब आधा घंटा लगता हाँ होगा हाँ जाने हाँ में। वही वही हाँ तो हाँ है वो सब बोले मतलब। तो वहाँ पर वो सब बोले तो हेरिटेज के मतलब हेरिटेज से आधा घंटा दूर में एक्रोपोलिस मॉल है, 1 घंटा में आपका साइंस सिटी मिल जाएगा। तो ये सब विजिटिंग प्लेस आपको मिल सकता है। और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज कैसा है? और यहाँ पर हॉस्टल में और क्या फैसिलिटी है ठीक ही, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी बहुत कम है। मतलब लगभग लगभग 40, मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स रह सकते हैं हॉस्टल में, लेकिन लार्ज स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, वहाँ पर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो चांसेस कमी कमी है कि आपको मिल सकता है, क्योंकि ट्राई किया जाता है कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको प्रेफर करने का। देन अगर कैपेसिटी है सीट्स है उसके बाद आपका दिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तो ये ऐसा रूल है तो सही है, लेकिन कैपेसिटी कम होने के कारण ऐसा रूल बनाया गया कि जो डिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उनको ही पहले प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, वहाँ का लाइक कंपटीशन एनवायरनमेंट कैसा है? कंपटीशन एनवायरनमेंट लाइक सपोज आप जिस डिपार्टमेंट में हो सीएससी एंड जो भी सेक्शन में हो, तो वहाँ पर लाइक कितने सारे बच्चे हैं जो मतलब काफ़ी अच्छे अबव मॉडरेट हैं, सो डैट जो कंपटीशन लेवल है काफ़ी हमेशा अच्छा बना रहता है, स्ट्रेंथ लाइक कैसा हाँ है? कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा है। कोई मतलब दो चार बच्चे हैं जो कि अभी इंटर्नशिप भी कर रहा है फर्स्ट ईयर में, ये बहुत बड़ी बात है। तो कंपटीशन लेवल तो है ही बहुत। और जो क्लब्स है वो मतलब महीने में 2 बार क्विज कंपटीशन भी करवाता है, तो वहाँ पर उन सब का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहता है। मतलब बोले तो आप पूरा क्लास ही पार्टिसिपेट करते हैं क्विज कंपटीशन में। कंपटीशन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है, ये आपको बहुत अच्छा हाँ लगेगा। वैसे कंपटीशन एनवायरनमेंट होना अच्छा जरूरी भी है, सो दैट आप अगर बिलो मॉडरेट भी हो ना तो आप अपने आप को और अच्छा इम्प्रूव करने का ट्राई करते हो। वैसे शुभदीप, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आप डिस्कस करना चाहो एंड कुछ फेस्ट वगैरह क्या होता है? हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जैसे कि आप पकड़ लीजिए मतलब अभी रिसेंटली हुआ है इंटर डिपार्टमेंट
मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, वॉलीबॉल, सब कुछ इन्वायरमेंट हुआ है अभी। और भी मतलब अनुभव जो क्लब है वो उसके रिगार्डिंग, उसकी तरफ से नाटक भी हुआ है बहुत सारे। वैसे हेरिटेज का तो फैकल्टी भी काफ़ी अच्छा है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया भी है हेरिटेज कॉलेज हाँ रिव्यू के ऊपर, तो वहाँ पर फैकल्टी बहुत ही अच्छे। अब फिर भी आप तो आपको पढ़े हुए लगभग 6-7 महीना हो गया, तो आपके फैकल्टी कैसे लगे, कितना सपोर्टिव है? फैकल्टी तो भैया बहुत अच्छी है। कोई कोई सर ऐसा भी है जो क्लास करने के बाद बोलता है, मैं अपना नंबर भी देते हैं, कोई भी डाउट हो मुझे तुरंत कॉल या मैसेज करो। फैकल्टी बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल है, सपोर्टिव भी है। अब मतलब जब भी डाउट हो अब उसके पास अप्रोच कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से ये बात सुनता भी हूँ कि वहाँ के जो फैकल्टी है मतलब डायरेक्ट अपना व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर शेयर कर देते बच्चों को, एंड एक उनका ग्रुप भी होता है सो डैट जो इंटरेक्शन है हाँ काफ़ी बेहतर हो सके स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में। मतलब सारे कॉलेज का फैकल्टी ऐसा काम नहीं करते कि आपका नंबर दे दिए ये दे दिए, तो हेरिटेज का काफ़ी सारे बच्चे रिकमेंड करते कि हाँ जी फैकल्टी के लिए अच्छा कॉलेज है काफ़ी। वैसे फीस स्ट्रक्चर तो एकदम से ज़्यादा नहीं इस कॉलेज का, ठीक है मतलब रिजनेबल है, तो फिर भी लाइक जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा जब एडमिशन करवाता है तो एट दैट टाइम ऑफ एडमिशन कितना पे करना होता है, एंड बाकी के सेमेस्टर के अप्रोक्स फीस कितना है यहाँ का? एट द टाइम ऑफ एडमिशन 72,000 पे करना पड़ता है, एंड बाकी सेमेस्टर में 45,000 के अराउंड पे करना पड़ता है, और 4 साल में टोटल मिला के 3,93,000 के आसपास पे 4 लाख करता है, अप्रोक्स, अप्रोक्स 4 लाख। तो 4 लाख आपका सेमेस्टर फीस हो गया सब मिला करके, एंड आप अगर हॉस्टल लेते हो तो मान के चलिए कि +2 लाख, या पीजी में से लेते हो तो आपका लगभग 6 लाख में अप्रोक्स सबका 4 साल हो जाएगा बढ़िया से। और जो TFW के बच्चे हैं उनको तो लाइक सेमेस्टर फी पे नहीं करना पड़ता है। हाँ मैं खुद एक TFW, तो वो सेमेस्टर फी नहीं देना पड़ता। से मैंने एक काफ़ी डिटेल वीडियो बना दिया है कि इस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियां विजिट करती है, इसके एवरेज पैकेज क्या है, इसका हाईएस्ट पैकेज क्या है, तो काइंडली वो वीडियो देख लीजिए जो मेन वीडियो है, ठीक है। फिलहाल सुबोधीप तो मौजूद है ही हमारे साथ, तो सुबोधीप लाइक इस साल का 2023 का जो पास आउट स्टूडेंट है उनका प्लेसमेंट कैसा रहा इस कॉलेज में? इस साल का सीसी का बोले तो सीसी का लगभग मतलब 90% से ऊपर से ज्यादा प्लेस है, और एवरेज पैकेज आपका 4.5 LPA था। मैं जो नोटिस बोर्ड में देखा हूँ एवरेज पैकेज 4.5 LPA था, और अभी तक तो हाईएस्ट पैकेज 10 LPA है जो कोजीवा लिखा है, तो ऐसे ही कुछ सुन रहा है सर। तो मतलब ये कम्प्लीटली हुआ है नहीं, तो अगर इन शॉर्ट अगर हाँ बताएं हम लोग तो एवरेज पैकेज आप वही 5 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो CSE डिपार्टमेंट से, ठीक है अगर ऑन कैंपस की बात करें। एंड हाईएस्ट देखो हाईएस्ट जो भी कॉलेज डिस्प्ले करते हैं वो ऑफ कैंपस के डिस्प्ले करते हैं, तो हाईएस्ट आप 45-40 के बीच का जो फिगर है वो आप मान के चल सकते हो। बट यस प्लेसमेंट इस कॉलेज का अच्छा होता है, प्लेसमेंट फैकल्टी दोनों ही मतलब अच्छे हैं इस कॉलेज के, ठीक है। तो भैया 2022 का बात ही है, तो कौशानी कर्मकर नाम का एक दीदी है जो 1.3 से लेकर 1.4 करोड़ का LPA था जॉब मतलब ग्रैब किया है अमेजोन ने। अच्छा तो ये ऑफ कैंपस के द्वारा हुआ है ना, तो ऑफ कैंपस के द्वारा इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है जैसे इन्होंने कहा कि 1.3 करोड़ का LPA लगा है अमेजन में, राइट। वैसे आपने तो जब WBG एग्जाम दिया था तो आपके माइंड में भी प्रश्न आ रहे थे कि मैं कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूँ, IIM ज्वाइन करूँ, कोई हेरिटेज ज्वाइन करूँ, कोई टेक्नो मेन ज्वाइन करूँ। अभी आपको लाइक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दियो, तो राइट नाउ अभी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉलेज के वर्थ इट है ज्वाइन करने के नहीं करने लेते, क्या स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, एंड ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसका आप क्या आंसर करोगे? हाँ अगर ऑप्शन में आपका IIM हेरिटेज और टेक्नो में रहा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा हेरिटेज ज्वाइन करना, क्योंकि देखिए IIM का तो मतलब कैंपस बोलकर कुछ है ही नहीं, एकदम तो स्कूल जैसा है, और टेक्नो तो जैसे इस बार का स्कैम हुआ ही है सब लोग जान ही गए हैं, तो हेरिटेज उन पॉइंट से तो बहुत आगे ही निकल गया। मतलब हेरिटेज का कैंपस बहुत अच्छा है, और जो बोल रहे हैं सब कुछ एक्टिव है यहाँ पर, सब प्लेसमेंट सेल ट्रेनिंग सब कुछ एक्टिव है यहाँ पर, और आपका बोले तो फैकल्टी ये सब तो अच्छा ही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा हेरिटेज बहुत अच्छा है। सो इन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है जो भी कुछ लोग पॉइंट डिस्कस किए है। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है आपके मन में तो एक मैंने एक ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हो। एंड स्टिल कुछ डाउट है तो कमेंट बस कर दीजिए, या मुझे व्हाट्सअप में आप अप्रोच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है तो आप वहाँ से मुझे अप्रोच कर लीजिए। सो थैंक यू सुबोधीप सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े, एंड जो भी स्टूडेंट जो इस साल एग्जाम देकर के एडमिशन लेने का सोच रहे हो उनका डाउट क्लियर हो गया होगा।